हमारा जो टॉपिक है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ बायोसि एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ रिंग। मतलब जो एस्पेटेड ग्लूटामिन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरामिडिन ड्रिंक जो एस्पेटेट ग्लूटामिन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एसपेटेट और ग्लुटामिन तो डोनेट करते हैं अमाइन ग्रुप को और जो सी ओ टू है उससे हमें कार्बन मिलती है पायरामिडिन रिंग फर्स्ट सिंथेटाइज सिंथेसाइज एंड देन अटैच टू राइबोस फाइव फोसफेट जब हमने प्योरिन बायोसिंथेसिस देखी थी तो जो प्योरिन बायोसिंथेसिस है वो स्टार्ट हुई थी राइबोस फाइव फोसफेट से तो जो प्योरिन बायोसिंथेसिस के लिए हमारे पास बना बनाया मोलिक्यूल था लेकिन जो पायरामिडिन बायोसिंथेसिस है उसमें हमें जो मोलिक्यूल है वो सिंथेसाइज करना पड़ता है ग्लूटामाइन ट्रांसफर इट अमाइडो नाइट्रोजन टू सी ओ टू टू प्रोड्यूस कार्बोमाइल फोस्फेट जैसे कि जो पैरामिडिन की जो बायोसिंथेसिस है उसके अंदर हम सबसे पहले ग्लूटामिन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो जो ग्लूटामाइन है वो क्या करता है ट्रांसफर करता है अमाइन अमाइन ग्रुप को क्या प्रोड्यूस करने के लिए कार्बोमाइल फोस्फेट प्रोड्यूस करने के लिए दिस रिएक्शन इज ए डिपेंडेंट एंड इज कैटालाइज बाई कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटिस टू ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड होती है ए के ऊपर और जो ये रिएक्शन है ये कैटेलाइज होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटिस टू इसको हम सी पी एस टू भी बोलते हैं सी पी एस टू इज एक्टिवेटेड बाई ए टी पी एंड पी आर पी पी जो सी पी एस टू एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है बाई द हेल्प ऑफ ए टी पी एंड पी आर पी 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 आर पी पी मतलब फोसफोर राइबोसाइल कार्बोमाइल फोस्फेट कंडेंस विद एस्पेटेट फोम कार्बोमाइल एस्पेटेट कैटेलाइज बाई एस्पेटेट ट्रांसकार्बोमाइलिस मतलब जो कार्बोमाइल फोस्फेट है जो हमने प्रोड्यूस किया है उसके अंदर हम एस्पेटेट को ऐड करेंगे और वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एस्पेटेट का ट्रांसकार्बोमाइल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोमाइल एस्पेटेट के डाईहाइड्रो कैटेलाइज पायरामिडिन रिंग क्लोजर विद द लॉस ऑफ वाटर मतलब जो डाई है ये जो कार्बोमाइल एस्पार्टेट होता है इसकी जो रिंग है वो इनक्लोज रिंग होती है मतलब कंप्लीट बंद नहीं होती तो जो डाई है इस रिंग को कंप्लीट बंद कर देता है द नेक्स्ट स्टेप इज एन डी पॉजिटिव डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेशन फॉम फ्रॉम ओरेटेट मतलब जो इस स्टेप के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजिनेशन होगा तो जो डाईहाइड्रो मतलब जो हमने पढ़ा डाईहाइड्रो औरटेज तो इससे जो डाईहाइड्रो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ओरटेट के अंदर राइबोस वाइफोस्फेट इज नाउ एडिड टू ओरटेट टू प्रोड्यूसट ओराटाइडिन मोनोफोस्फेट अब हम राइबोस फाइव फोस्फेट को ऐड करेंगे ओराटेट के अंदर किसको प्रोड्यूस करने के लिए ओराटाइडिन मोनोफोस्फेट के अंदर औरटाइडिन मोनोफोस्फेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ओ एम पी डी कार्बोक्सिलेस जो ओराटाइडिन मोनोफोस्फेट है उसको कन्वर्ट करेंगे यूएम पी के अंदर और जो हम पैरामिडिन सिंथेसिस से जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है यूएम मतलब यूरिडिन मोनोफोस्फेट अब हम इसको पाथवे के थ्रू देखते हैं जैसे हमने यूज़ करा सबसे पहले सी ओ टू प्लस ई तो जो ग्लूटामिन है वो अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करेगा तो जो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटिस टू की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोमाइल फोसफेट के अंदर जो कार्बोमाइल फोस्फेट है उसके अंदर हम एस्पेटेट ग्रुप को ऐड करेंगे और बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एस्पेटेट ट्रांसकार्बोमाइलेस ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोमाइल एस्पेटेट के अंदर और रिमूव कर देंगे पी को अब हम इसमें डाईहाइड्रो ओराटीज को डालेंगे डाईहाइड्रो ओराटीज को डालेंगे तो जो कार्बोमाइल एस्पेटिट है उसकी जो रिंग इनक्लोज रिंग है डाईहाइड्रो ओराटीज उस रिंग को कम्प्लीटली बंद कर देगा जो डाईहाइड्रो ओराटीज़ है तो जो कार्बोमाइल एस्पेटेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रो के अंदर अब जो डाईहाइड्रो ओरेटेट जो एंजाइम है यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगी और जो डाईहाइड्रो है वो रिमूव हो जाएगा और जो ये कन्वर्ट हो जाएगा ओरेटेट के अंदर जो डाई डीहाइड्रोजिनेज़ है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है बाकी जो हमने ऊपर तीन एंजाइम पढ़े हैं कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटिस टू एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलिस और डाई ये तीनों साइटोसोलिक एंजाइम्स हैं जो ओराटेट है उसको हम ट्रीट करेंगे पीआरपी से पीआरपीपी से पीआरपीपी मतलब फोस्फोराइबोसाइल पायरोफोसफेट और जो पायरोफोस्फेट है मतलब पीपी को हम रिमूव कर देंगे ओराटेट के अंदर ऐड कर देंगे फोस्फोराइबोसाइल को तो, तो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ओराटेट फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज जो ओराटेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओरोटाइडिन मोनोफोसफेट के अंदर जो ओरेटाइडिन मोनोफोसफेट है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ओ एम पी डी कार्बोक्सीस कन्वर्ट होगा यूरिडिन मोनोफोसफेट के अंदर डी कार्बोक्सीस मतलब इसके अंदर हमने एक सीओ टू को रिमूव कर दिया अब जो यूएम पी मतलब यूरेडिन मोनोफोसफेट है मतलब जो हमारा एंड प्रोडक्ट है पैरामिडिन बायोसिंथेसिस का वो है यूएम पी अब हम देखेंगे कि जो यूएम पी है वो मतलब यूडीपी यूरिडिन डोस्फेट के अंदर और यूडीपी सॉरी यूटीपी यूरिडिन ट्राईफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कैसे होता है तो जब हमने यूएमपी के अंदर एटीपी को ऐड करा वो कन्वर्ट हो गया यूडीपी के अंदर और जब हमने यूडीपी के अंदर जब हमने यूडीपी के अंदर एक एटीपी को एक एटीपी को ऐड करा तो वो कन्वर्ट हो गया यूटीपी के अंदर जो यू है वो सी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है तो इसके लिए हमने ग्लूटामिन को ऐड करा जो ग्लूटामिन है वो अपना एन एच टू ग्रुप डोनेट कर देगा मतलब जो अमाइन ग्रुप है उसको डोनेट कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सी टी पी यू है वो कन्वर्ट हो गया सी के अंदर अब हमने यू के अंदर ए को डाला और जो यू है वो कन्वर्ट हो गया डी ऑक्सी यूरिडिन डाईफोस्फेट के अंदर जो डी यू है वो देन लेटर कन्वर्ट हो गया डी यू के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंज थी डायलेट सिंथेटिस तो जो डी यू एम डी यू एम पी है वो कन्वर्ट हो गया डी टी एम पी के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ सिंथ